ओके okay, uh, बच्चा लोग अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा चलो दैट्स ग्रेट टू सी यू ऑल बेटा सारे बच्चे अकाउंट्स की कॉपीज निकाल वी वील स्टार्ट विथ अकाउंट्स फर्स्ट और uh, बच्चा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल बेसिक्स और इससे थोड़ा सा मैं क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों को बेटा सबको मेरी आवाज आ रही प्रॉपरली ठीक है क्लास में बैठे हुए बेटा सारे बच्चों को ना टेस्टिफाई करूंगा आज कि तुम लोग प्लस वन प्लस टू में क्या क्या कर कर आए हो राइट तो समझ लीजिए ये जो अकाउंट्स इंट्रोडक्शन की क्लास है ये एक छोटा सा आपका बेसिक्स का टेस्ट भी होगा जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग बेसिकली करके क्या आए हो प्लस वन प्लस टू में ठीक है जस्ट मिनट देखिए चलिए नाउ लेट्स बिगिन हां जी अकाउंट सबसे पहले क्या होता है बेटा आप सबने मेरे साथ साथ लिखना है राइट सो प्लीज राइट डाउन अकाउंट सबसे पहले बच्चा अकाउंट क्या होता है इसको लिखना शुरू कर दीजिए इज अ रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ Business transactions under a particular head, under a particular head, it is. जनरली प्रिपेयर्ड शर्मा जी चेयर रख के बीच में बिठा सकते हो बच्चों को आप ठीक है अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है उनको चेयर रख के सेंटर पे बिठा दो इट इज जनरली प्रिपेयर्ड इन फॉर्म तो बेटा अकाउंट बेसिकली क्या होता है अकाउंट सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है याद रखना और इसको हम लोग जनरली टी फॉर्म में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा भाई ये टी फॉर्म में हमारा अकाउंट बनता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट चलिए सुनते जाइएगा चलो मैंने आपको क्या बोला था बेटा मेरा आपसे एक छोटा सा आपका टेस्ट लूंगा मैं आज बेसिक्स का अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन यह है कि डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों बोलते हैं पहले देखो कितना बेसिक कर कर हो आप लोग एनी वन हां जी बोलो भाई Uh, दो भाई थे कहां से सुना भाई ये कहानी ये तो वो हो गया बांध से अ टाइम दे वॉज किंग अच्छा ये तो भाई मैंने भी पहली बार सुना है दोस्त थैंक यू फॉर द नॉलेज हां जी एनी बडी बड़ा लॉजिक लॉजिक मैं अकाउंटिंग लॉजिक की बात कर रहा हूं और आपको भाई जिसने भी ये टीचर ने बताया उसको मेरा नमन बोलना बड़ा हाथ जोड़ के मेरी तरफ से हां जी बोलो भाई डेबिट को डीआर क्यों बोलते हैं क्रेडिट को सीआर क्यों बोलते हैं मैंने क्या बोला था पहली दो तीन क्लासेस में आपके बेस बनाऊंगा पहले और आपको पता लगेगा कि हम लोग प्लस प्लस टू में क्या नहीं कर आए हांजी एनी वन एल्स शॉर्ट फॉर्म किसका डेबिट का डीआर क्यों होता है यही तो जानना है मैं बेटा आप लोगों को एग्जैक्टली exactly बताता हूं फंडा क्या है आप लोगों ने वर्ड सुना होगा डेटर जिससे हमने पैसा लेना है क्रेडिटर जिसको हमने पैसा देना होता है भाई साहब उन्होंने कुछ नहीं करा फर्स्ट और लास्ट लेटर लेकर इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ यह बात याद रखना ऐसा कोई कहानी नहीं है कि दो भाई थे राइट गाइस तो सारे बच्चे याद रखना दोस्तों कुछ नहीं करा बेटा अकाउंटिंग लॉजिक से बात करते हैं अकाउंटिंग लॉजिक बोलता है कि भैया जो फर्स्ट और लास्ट लेटर होता है उससे एक एब्रीवेशन बनती है डेबिट और क्रेडिट हाँ जी एवरीबडीज क्लियर गुड अब भाई साहब अकाउंट्स को या सिंपल भाषा में अकाउंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सारे बच्चों को भाई पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं देखिए अकाउंट के अंदर दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है सारे बच्चे अच्छे से सुनते जाना एक जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दूसरा बेटा साथ साथ नोट भी करते जाना दोस्त इसको बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी कॉल इट अस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड वी कॉल इट अस मॉडर्न क्लासिफिकेशन अब आपके मन में सवाल उठेगा सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई आप लोगों ने यह कहानी सुनी होगी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक पर्सनल अकाउंट आई थिंक एवरी वन नोज अकाउंट को हम लोग ए स्लैश सी के साथ डिनोट करते हैं सारे बच्चों को पता ही होगा बेटा अच्छा पर्सनल अकाउंट एक होता है भाई और एक होता है इम पर्सनल अकाउंट एक होता है पर्सनल अकाउंट एक होता है इनपर्सनल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट होता है दोस्त उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट इट इज कॉल्ड एस नेचुरल पर्सनल अकाउंट It is called as artificial person account. Next, representative person account. Okay. Baisa, what is impersonal account? Impersonal account ko. हम फर्दर ऑन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ये प्रॉपर फ्लोचार्ट बनाएंगे बेटा एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट तो सारे बच्चे याद रखना बेटा पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज अस नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एंड इन पर्सन इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज रियल एंड नॉमिनल याद रखना बच्चा ओके नाउ वट इज दिस मॉडर्न क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं अकाउंट को हम लोग सिंपली अगर बात करें तो हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं जैसे कहते हैं एसेट्स लाइबिलिटीस कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू दैट्स तो इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं भाई साहब एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस कैपिटल रेवेन्यू इस तरीके से अकाउंट को डिवाइड किया जाता है ये सारे बच्चे याद रखना हाँ जी दोस्तों एवरीबडी इज क्लियर ठीक है ये दिमाग में रखना बच्चा अब तुम्हारा सवाल सबसे पहले सर क्या हमें ये सब चीजें एक सीए लेवल पे काम आएगी यस yes. डेफिनेटली काम आएगी तुम्हें याद है कल तुम्हें मैंने क्या कहा था बच्चा बारह मार्क्स की थ्योरी वो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है देखो बेटा हमारे आईसीआई के दर्शन करे सारे बच्चों ने सुबह आज मैंने क्या बोला था कल उठते ही कौन सी वेबसाइट खोलनी है आईसीआई डॉट ओ आर जी उनके दर्शन कर कर आने बेटा क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों एक महान आत्मा ने एक बात कही थी वो महान आत्मा कौन ये भाई साहब इन्होंने कहा था भाई साहब बेबी को क्या पसंद है बेस बात समझ में आई बेबी को बेस पसंद है इसका मतलब आईसीआई जो है उसको भी उसी बच्चे को पसंद है जिसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है बेबी कौन तुम लोग तो तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए राइट तो भाई साहब याद रखेंगे तुम्हारा बेस यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इसीलिए मुझे सारी चीज एक बार बतानी पड़ेगी तो चलिए हम एक काम करते हैं लिखना शुरू करते हैं भाई सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि नेचुरल पर्सन कौन होते देखो तुम सारे बच्चों को एक एक चीज तो शायद पता होगी कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है भैया जो हम लोग नाम आदमी का नाम वो सब चीजें रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं बट बेसिकली नेचुरल पर्सन होता क्या है हम पहले इसके बारे में बारे जानते बताओ ऑल अकाउंट्स Related to humans, that is persons with blood and bones. तो भाई साहब जितने भी account इंसानों से related होते हैं I repeat इंसानों से related, वो सारे के सारे अकाउंट कौन से होते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट छोटा सा एग्जाम्पल सपोज अगर मैं कहता हूं राम अकाउंट सीता अकाउंट गीता अकाउंट ये सारे अकाउंट बेटा कौन से होते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट ऑल अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूम ओके नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कौन सा होता है

जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बेटा एक्सवाई जेड लिमिटेड जैसे कंपनीज है बेस्ट एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड भाई साहब ये कौन सा अकाउंट है ये आर्टिफिशियल पर्सन है फॉर एग्जाम्पल टाटा लिमिटेड तो बेटा ये कौन सा अकाउंट है ये बेसिकली आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है तो सारे बच्चे ये थोड़ा बातें दिमाग में रखिएगा तो सिंबल्स सा फंडा बेटा नेचुरल पर्सन ब्लड एंड बोन्स जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं और सारे के सारे कंपनीज फर्म बॉडी कॉर्पोरेट याद रखना आप कंपनीज के साथ फर्म वगैरह भी लिख सकते हो ये सारे कौन होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स ओके नाउ व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट अब यह चीज बड़ी मजेदार है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बिकॉज नेचुरल आर्टिफिशियल तो आपको समझ में आता है यह क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सनस these accounts represents a group of persons. देखिए एक छोटा सा आपको बताता हूं ग्रुप ऑफ पर्सन और सर्टन पर्सन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा ये रिप्रेजेंट एव पर्सन का एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सर्टन पर्सन फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी किसको देनी होती है अपने एंप्लॉ को अच्छा अब अगर सपोज कर लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है दो सैलरी क्या है बेटा आपकी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना है दिया नहीं इसको इट्स नॉट गिवन टू हिम अभी इसको पे करना है तो बच्चों याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वाई बिकॉज दिस खर्चा रिप्रेजेंट्स एन एम्प्लॉई गॉट इट इसको रिप्रेजेंटेड पर्सन क्यों बोलते हैं बिकॉज ये खर्चा इंप्लॉई को रिप्रेजेंट करता है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट अच्छा रेंट आपने किसको देना होता है रेंट आपने देना होता है लैंडलॉर्ड को तो ये रेंट अभी आपने पे करना है पे करा नहीं आपने करना है याद रखिएगा ये रेंट बेसिकली बच्चा आपने पे करा नहीं है ये आपने अभी पे करना है तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी आदमी को आदमी कौन बेटा यहां पर लैंडलॉर्ड ये सारे बच्चे याद रखना सो so ये किसी आदमी को रिप्रेजेंट करता है दैट इज लैंडलॉर्ड फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रेंट अगर प्री पे कर दिया पे का मतलब होता है बच्चा आपने एडवांस में पे कर दिया तो याद रखना भाई ये सारा जो रेंट है ये आपका प्रीपेड कहलाता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है आदमी को राइट right. तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग या एडवांस अच्छा आई थिंक एवरी वन नोस कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग कई सारे नाम से बुलाते हैं जैसे मान लीजिए अक्रूड ड्यू अनपेड ये सब आउटस्टैंडिंग को बुलाया जाता है अगर आपको बेटा ये सब चीजें नहीं पता तो अभी नोट कर लो बिकॉज बाद में दिक्कत होती है बिकॉज आई टोल्ड यू बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट प्रीपेड को हम लोग एडवांस भी बोलते हैं बट आपको शायद पता होगा इसको अनएक्सपायर्ड भी बोला जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस एक्सपायर्ड प्रीपेड को भाई साहब हम लोग अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं जिनको नहीं पता भाई इसको नोट करो अच्छे से अच्छा अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा जब मैं बात करता हूं भाई तो हमारे बिजनेस में ना दो टर्म्स यूज होती है एक होती है इनकम और एक होता है खर्चा ये सारे बच्चे अपने दिमाग में स्टोर करते जाओ बट अपनेटली अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको अक्रूड इनकम भी बोल सकते हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा अक्रूड इनकम बट जनरली खर्चे के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं खर्चे के लिए हम अक्रूड वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम खर्चे के लिए अनपेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं बट अनपेड वर्ड इज नॉट यूज फॉर इनकम बिकॉज इनकम राइट तो हम लोग अनपेड वर्ड कभी भी इनकम्स के लिए यूज नहीं करते हांजी बच्चो इज दिस क्लियर एवरी वन आई सपोज ठीक है जी अब सुनिए इसी तरीके से इसी के नीचे आते जाइए अगर कोई इनकम एडवांस में आ गई मान लो बेटा इनकम एडवांस में आती है तो उसका एक वर्ड होता है अन याद रखना अन या एडवांस इनकम जनरली जो आपका वर्ड है प्रीपेड, दैट इज यूज फॉर एक्सपेंसेस प्रीपेड हम लोग कभी भी इनकम्स को नहीं बोलते हैं जितने बच्चे बहुत सारे बच्चे प्रीपेड रेंट रिसीव्ड, इट्स रॉन्ग याद रखना आपका कोई प्रीपेड रेंट रिसीव नहीं होता प्रीपेड इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर एडवांस एक्सपेंसिस सो सारे बच्चे याद रखेगा बेटा प्रीपेड जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं बेटा एडवांस या अनएक्सपायर्ड अब लेट मी टेल यू अनएक्सपायर्ड वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सपेंसिस इज यूज फॉर एडवांस इनकम्स अन एक्सपायर्ड इज यूज फॉर एक्सपेंसिस तो ये थोड़ा डिफरेंसिएशन आपको आना चाहिए This is all the details of representative personal account. पहले मुझे सारे बच्चे बताओ बैठा यहां तक कहानी क्लियर है एवरी वन किसी बच्चे को डाउट ठीक है भाई साहब बताते जाना किसी को डाउट होगा तो चलिए तो यह हमने डिस्कस कर लिया भाई अभी तक अपने तीन पार्ट नेचुरल आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अब आते हम लोग अपने अगली कहानी पे what is real account it is an account which relates to assets or things things se mira matlab hai bhai, non living things याद रखना बेटा तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके एसेट से रिलेट करता है आपकी थिंग्स से रिलेट करता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं रियल अकाउंट अब जैसे जो पर्सन से रिलेट करता है भाई वो तो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट बट पर जो आपका थिंग्स से रिलेट करता है जिसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ठीक है भाई साहब ये आपका एक्सेट्रा लिख देता हूं बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं फर्नीचर वगैरह तो आपके सारे ये कौन से अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट चलिए अब मैं एक काम करता हूं फिर से मैंने आपको बोला मैं आपका बीच बीच में एक छोटा सा एक टेस्ट लूंगा तो सारे बच्चे बेटा प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करना और मुझे जवाब देते जाना आप मुझे बताइए हमारे बिजनेस के दो इंपॉर्टेंट अकाउंट एक कैश और एक बैंक बिजनेस में इनके बगैर आपका बिजनेस नहीं चलता राइट एवरी वन नोज इट भाई साहब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है रियल नॉमिनल या पर्सनल कितने लोग बोलते हैं बेटा रियल रेज योर हैंड्स प्लीज कितने लोग बोलते हैं नॉमिनल समबडी सेट नॉमिनल ऑल्सो पर्सनल पर्सनल वाला कोई है ओके लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू बेटा पैसा जो होता है ना कैश वो एक नॉन लिविंग थिंग होता है तो यस इट इज अ रियल अकाउंट तुम्हारे पास यार जेब में नोट पड़े तुमसे बात कर सकते हैं क्या उसमें गांधी जी तुम्हारी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं ना भाई सिंपल सा फंड है तो कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट ओके चलिए भाई हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है रियल नॉमिनल पर्सनल एक काम करते हैं पहले रियल वाले कितने बच्चे हाथ रेस करें रेज योर हैंड प्रॉपरली होगा गलती होगा ना इसमें क्या फर्क पड़ता है रियल वाले कितने हैं ओके वी हैव सम रियल अकाउंट वी हैव पर्सनल अकाउंट अच्छा बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट ओके व्हाट अबाउट नॉमिनल नो, no. बेटा याद रखना सारे बच्चे इसको क्लैरिफाई कर लो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज बैंक में आप कभी जाके बोलते भैया मेरे फर्नीचर का अकाउंट खोल दे सोचो बैंक अकाउंट इज ऑलवेज योर रिप्रेजेंटिंग कंपनी और इंडिविजुअल्स अब बैंक में अकाउंट किसका खोलते हो राम सीता कमलेश या मान लो कंपनी के नाम का अकाउंट खोलते हो आपने कभी बोला भैया मेरी गाड़ी का अकाउंट खोल दो बैंक में जाकर नहीं तो बैंक अकाउंट हमेशा पर्सन को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए दोस्तों याद रखना बैंक अकाउंट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट ओके तो भाई ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट अब भाई साहब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स तो भाई साहब याद रखिएगा अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है सारे खर्चे नुकसान इनकम्स गेन्स अब यहां पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है सारे बच्चे दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं आपसे बात करूं अकेला लिखा हुआ है सैलरी भैया सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है बच्चों अगर मैं वर्ड डाल दूं सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी यस तो इट स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेटा मैं इसको ना आगे से आरपी लिख रहा हूं ठीक है देखो जो मैं एब्रीवेशन यहां पर यूज करूंगा आप क्लास नोट्स में यूज कर सकते हो एग्जाम में मत यूज करना इट इज नॉट अलाउड तो बेटा तुम लोग इसको कहोगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आई होप इट इज क्लियर ठीक है ये सारे बच्चे दिमाग में रखिएगा ओके फॉर एग्जाम्पल रेंट इट इज नॉमिनल बेटे फैसे प्री पेड रेंट इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दिस एक्चुअली चेंज इज द थिंग्स तो भाई अगर वहां पर आ गया प्रीपेड तो वर्ड अपना चेंज हो जाता ऑटोमेटिकली ठीक है दोस्त ओके okay. अब सारे बच्चों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के गोल्डन रूल्स करें होंगे बेटा जिंदगी में एक फटाफट से रिव्यू लेते और फिर टेस्टिफाई करते भाई हमारे गोल्डन रूल पहला पर्सनल अकाउंट दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट मैं फिर से कह रहा हूं डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई नोट्स के लिए हम जो मर्जी एब्रीवेशन बना ले चलेगा बट अपने एग्जाम्स में एब्रीवेशन मत यूज करना एब्रीवेशन आर जनरली नॉट अलाउड इन द एग्जाम्स अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बता बहुत सिंपल है बेटा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रियल अकाउंट इज डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वोट गोज आउट एंड नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स सो यह आ गया बच्चा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स चलिए बेटा पहले हम एक काम करते हैं हम ना फोकस करते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे फिर हम मॉडर्न पर आएंगे भाई हम एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं ठीक है ये टेबल में क्या रहेगा भाई मैं आपको ना कुछ आइटम्स दे रहा हूं और आपने अभी खाली क्लासिफाई क्या करना है कि ये रियल है नॉमिनल है पर्सनल है राइट सो पर्सनल रियल एंड नॉमिनल इनमें से एक मेन आइटम्स को डालना है जब आप लोग अपना बेटा मॉड्यूल खोलोगे ना आईसीआई का आपको याद होगा कल मैंने कहा था हमारे लिए वो एक भगवान की किताब है आईसीआई का मॉड्यूल खोलोगे ना दोस्तों तो याद रखना तुम्हारा जो पहला चैप्टर होगा प्रैक्टिकल का वो सारा इस पे बेस्ड है और इसके क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं सारे बच्चे हाँ जी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट था रियल अकाउंट इस पे टिक लगा के बाकी पे क्रॉस कर दो सिंपल सा एक टेबल बनाते दूसरा बच्चा अब आप लोग मुझे बताते जाएंगे बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट था पर्सनल अकाउंट अब इसको भूलना नहीं चलिए हम नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अकाउंट यस अभी यह पर्सनल की कैटेगरी में जाएगा ओके नाउ मूविंग ऑन टू सेल्स अकाउंट अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सेल्स नॉमिनल है इज दिस ट्रू की सेल्स आर नॉमिनल श्योर sure? चलो दैट्स ग्रेट भाई साहब आप लोगों को बता देता हूं कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर सेल्स नॉमिनल है कि रियल है कुछ कहते हैं हैं गुड्स जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे सेल्स को बोलते सर गुड्स तो जा रहे हैं अब गुड्स जा रहे हैं तो मेरे भाई वो बोलेंगे सर एक काम करो सेल्स तो हो गया हमारा रियल अकाउंट बिकॉज द रूल इज क्रेडिट वर्ड वोज आउट बट बच्चा एक्चुअली में सेल्स और परचेस को ना नॉमिनल मानना ज्यादा सेंसिबल रहता है ठीक है तो सारे बच्चे याद रखना इसको हम लोग नॉमिनल बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग इट रियल चलिए नेक्स्ट द वर्ड इज अक्रूड इंटरेस्ट यस इट्स पर्सनल अच्छा चलो एक सवाल और देखो तुम लोग की नॉलेज द वर्ड इज अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है इंटरेस्ट दिया कि इंटरेस्ट मिला यस वेरी गुड कौन बोला वेरी गुड बच्चा भाई साहब अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ड्यू बट नॉट रिसीव याद रखना इट इज नॉर्मली पीपल थिंक बेटा अक्रूड का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग पेड वाला इंटरेस्ट ना अगर इंटरेस्ट कमीशन इनके साथ अगर अक्रूड लिखा होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे इसको नोट कर लें इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड तो बेटा ये जनरली अक्रूड वर्ड हम लोग ज्यादातर इनकम्स के साथ लगाते तो जितने बच्चों को नहीं पता भाई तो याद रखना इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ओके नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी कैन एनीबडी डिफाइन वट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी एनी वन कोई बच्चा बता सकता है बेटा हाँ जी हमने लीज पे ली हुई है कि हमने लीज पे दी हुई है अच्छा हमने लीज पे ली हुई है एनीबडी एल्स बेटा इज इज करेक्ट गिवेन ऑन लीज़ अच्छा अब देखो यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है भाई एक बच्चा बोलेगा कि लीज पे दी हुई प्रॉपर्टी एक बच्चा बोलेगा लीज पे ली हुई प्रॉपर्टी जब तुम लोग थोड़े से और आगे एडवांस लेवल पे जाओगे ना बेटा इंटर में तुम लोग ना एक पढ़ोगे यहां पर लिख लेना रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एक आता है एएस 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते वैसे तो अभी सारे बच्चों को बता दूं सिंपल फंडा है कि लीज और प्रॉपर्टी रियल अकाउंट होता है बट लीज और प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम आती है बच्चा बोलता सर हमने लीज पे ली हुई है कि लीज पे दी हुई है ये आधे बच्चों को पता ही नहीं होता मैं तुम लोगों को बच्चा उस लेवल पे जाके थोड़ा बताऊंगा एडवांस लेवल पे कि लीज और प्रॉपर्टी में दो सिचुएशन होती है एक लीज होती है फाइनेंस लीज एक होती है ऑपरेटिंग लीज अभी इसको सिर्फ दिमाग में सुन लो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हारा लेवल अभी उतना आगे गया नहीं एक होती है भैया फाइनेंस लीज एक होती है ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज क्या होती है फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बंदे को बोला मैंने कहा भाई तेरी प्रॉपर्टी मुझे लीज पे दे दे मान लो उसकी प्रॉपर्टी की लाइफ 20 साल है फॉर एग्जाम्पल उसने 20 में से 15 साल मुझे प्रॉपर्टी दे दी तो प्रॉपर्टी का मेजर लाइफ तो मेरे पास ही है और उसने मुझे राइट दे दिया सर प्रॉपर्टी में जो मर्जी करो अब वो लीज और प्रॉपर्टी एसेट किसके लिए मेरे लिए जिसने होता है भाई सपोज कर लो मैंने मान लो इस बंदे से लीज पे लिया ठीक है इधर आओ मेरे दोस्त इधर आओ मैं एग्जाम्पल बट अपने साथ खड़ा करके इसको बताता हूं क्या नाम है मेरे भाई आपका अच्छा मैंने मैंने प्रस पे अभी क्रिश भाई प्रॉपर्टी है अब बताओ क्या वो मेरे लिए एसेट हो सकता है नहीं ना अब वो एसिड इसका है। इसको बोलते ऑपरेटिंग लीज मतलब उसने खाली मुझे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो ये जो बच्चों के मन में डाउट है ना बेटा बेसिक से क्लियर होता है थैंक यू बैठो जो बेसिक्स है बच्चों के मन में डाउट होता है क्या डाउट होता है कि सर प्रॉपर्टी लीजल वाली हमने दी हुई है कि ली हुई है तो ये डिपेंड करता है याद रखो अगर तुम लोग को सामने वाले ने एसेट के साथ उसके अधिकार दे दिए जाओ भैया एसेट के साथ जो मर्जी करो एसेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है करो तो वो लीजल प्रॉपर्टी जो किराएदार होता है किराएदार जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसके लिए एसेट है अब अगर सपोज कर लो कृष्ण ने मुझे लीज ऑल्ड प्रॉपर्टी दी कहता सर पेंट भी कराओगे ना तो भी मुझसे पूछ के कराओगे और मैं आपको सिर्फ साल दो साल कर दूंगा उसके बाद वापस ले लूंगा उसने मुझे कोई अधिकार दिए कोई राइट दिया एसिड उसी का है ना पॉइंट समझ में आ गया बच्चा तो पहले दिमाग में इस चीजों को क्लियर करो ओके हां जी बोलो भाई देखो भाई यहां पर फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट का अधिकार नहीं होता राइट अगर देंगे तो सारे देंगे ना बेटा आप मुझे बताओ आप मुझे बोलोगे सर आधी प्रॉपर्टी यूज करो आधी प्रॉपर्टी मत करो फॉर एग्जाम्पल तो भैया फिर वो आधी प्रॉपर्टी जो है मैं कितनी यूज कर सकता हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है हाँ जी हाँ दस साल तक आप कुछ भी करो कुछ भी करो तो फिर आसठ दस साल मेरे लिए पॉइंट समझो ना बेटा मैं एसेट को रेनोवेट कर सकता हूं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं राइट right. तो फिर एसेट अल्टीमेटली लीज होल्ड प्रॉपर्टी मेरे लिए एसेट है तो बेटा फिर फिर नहीं है है वो आपके लिए है। अब अगर सपोज कर लो बेटा मेरी ये बिल्डिंग है मैं आपको रेंट पे दे देता हूं मैंने कहा दीदी आप एक काम करो एक डेढ़ साल यूज करके मुझे वापस कर देना तो फिर तो एसेट तो मेरा ही है ना बेटा वो तो लैंडलॉर्ड का ही एसेट रहेगा राइट right. तो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बच्चों के दिमाग में चलती है बच्चे बचपन में पूछते नहीं टीचर से बिकॉज बच्चा इतना डिटेल में जानना नहीं चाहता हाँ जी नहीं बेटा देखो उसमें दो बातें होती हैं अब आप अगर आपको मैं प्रॉपर्टी दो तीन साल के लिए दे रहा हूं तो मैं आपको क्यों बोलूंगा कुछ भी कर लो लॉजिक सोचो मेरी बात लॉजिकली सोचो मेरे को पता प्रॉपर्टी मुझे वापस लेनी है तो मैं आपको थोड़ी बोलूंगा प्रॉपर्टी पे कुछ भी कर लो नहीं नहीं भाई ऐसा नॉर्मली होता नहीं भाई ये बात दिमाग में रखना ऐसा नॉर्मली होता नहीं है क्यों बिकॉज आप मुझे बताओ अगर आप सपोज किसी से उसकी दुकान किराए पे लेते हो तो आप उससे बिना पूछे उसकी दीवारें तोड़ सकते हो नहीं ना कर सकते पर अगर सपोज कर लो उसने बोल दिया आपको राइट दे दिए अधिकार दे दिए कि भैया जो कंस्ट्रक्शन करनी करो ठीक है तो फिर वो ऑटोमेटिकली एसेट जितनी देर मेरे पास है उतनी देर मेरा रहता है जितनी देर मेरे पास है सपोज मेरे पास पांच साल दस साल ग्यारह साल जितनी देर भी है तो मेरा रेट कहने का मतलब अगर रिस्क, कहते रिस्क तो अल्टीमेटली वो एसेट किसका है बात समझ में आ रही है अगर आप मुझे लैंडलॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो एसेट किसका है आपका पॉइंट समझ में आया तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर हां जी बच्चा कुछ, कुछ मैं वही बोल रहा हूं बेटा पूरे राइट देने पड़ेंगे कुछ दिए हो तो भी नहीं पार्शल जैसे उन्होंने बोला फिफ्टी परसेंट तो नहीं भैया उसमें नहीं होगा फिफ्टी परसेंट में इसका मतलब क्या होता है पूरा रिस्क मेरे पास आना चाहिए पूरा रिवॉर्ड मेरे को मिलना चाहिए एसेट का जी बच्चों क्या ये डाउट क्लियर हो गया ठीक है जी चलिए सेवेंथ पॉइंट पर आते हैं अच्छा एक चीज सारे बच्चे ना याद रखना ये मैं तुम लोग को पहली क्लास में बोल देता हूं तुम लोगों ने ना बेटा एक ये चीज अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे नोट कर लेनी है अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो ये मैं हर बाच को बोलता हूं क्या लिखा है भाई साहब मैंने ये बेशरम क्यों कुछ बच्चों को क्वेश्चन पूछने में बड़ी शर्म आती है मैं हर बाच को ये बात बोलता हूं बेटा क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं बच्चा बोलेगा सर इतने सारे बच्चे हैं मेरे को पूछने में अपने पॉइंट शर्म आती है ओ भाई शर्माने का कोई सीन नहीं जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पूछना ही पड़ेगा आपको यू हैव टू आस्क तो हां जी आज का मंत्र क्या बेटा हम सारे तीन बार जाप करेंगे अगला क्वेश्चन करने के पहले बोलिए तीन बार सारे बच्चे मेरे साथ जोर से जाप करेंगे अगर आप सी एस्ट में क्लियर कर रहे हैं हम सारे हम सारे हम सारे बस ये बात दिमाग में रखना जिंदगी का बड़ा तरक्की का फॉर्मूला यही है पूछने से शर्माना नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे क्लास में पूछ रहे हैं इट इज गुड ओके नेक्स्ट ड्रॉइंग्स हां जी ड्रॉइंग्स कौन सा नॉमिनल एप्सल्यूटली रॉन्ग ड्रॉइंग्स आर पर्सनल याद रखना बेटा जितने बच्चे बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स आर नॉमिनल एप्सोलूटली इनकरेक्ट क्यों भाई साहब जो ड्रॉइंग्स होती है ना वो हमेशा ओनर को रिप्रेजेंट करती है ड्रॉइंग्स क्यों होती है पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा निकालते हैं, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं तो सारे बच्चे याद रखिएगा ड्रॉइंग्स आर पर्सनल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है इसी तरीके से कैपिटल ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है ओनर को ओनर को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ये ओनर जो पैसा बिजनेस में लेकर आता उसको है उसको कैपिटल बोलते हैं ओके okay. नेक्स्ट मेरे पास आ गया भाई साहब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कुछ बच्चे पर्सनल बोल रहे हैं कैन आई सी देयर हैंड्स प्लीज डिस्काउंट रिसीव में जो बच्चा पर्सनल किसी ने आवाज लगाई अच्छा एनी एल्स मेरे भाई डिस्काउंट रिसीव सिंपल एक इनकम होती है याद रखना ठीक है अगर तुम इस गलती में हो कि वो पर्सनल है तो रॉन्ग है डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट तो भाई साहब इस चीजों को दिमाग में रखिए डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अगेन इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस ओके दोस्तों बैड डिप्स यू नो वोट अड्स कोई आपका डेटर अगर लुच्चा निकला उसने पैसे नहीं दिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैड डिप्स राइट बट इनको चेयर के साथ से इंटरव्यू बिठा दो तो भाई साहब उसको क्या बोलते हैं बैड डिप अब आप मुझे बताइए सारे बच्चे बैड डिप कौन सा अकाउंट है रियल नॉमिनल पर्सनल नॉमिनल येस इट इज अ लॉस तो सारे बच्चे याद रखना बेटा बैड डेप एक तरह का आपका नुकसान होता है सो इट इज अमिनल अकाउंट ओके जी, एक बच्चे का सवाल आया सर बैडडेप तो डेटर को रिप्रेजेंट करता है बेटा तुम्हारा बात जेनुअन है मेरे भाई बट बैड डेप डेटर से होने वाले लॉस को रिप्रेजेंट करता है डेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता ठीक है, बैडेप डेटर से होने वाले नुकसान को रिप्रेजेंट करता है बैडेप क्या होता है कि हमने सपोज किसी बंदे से पैसे लेने से पैसे दिए नहीं मेरा तो नुकसान हो गया ना भाई तो याद रखना बैडेप आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है चलिए इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं बैडडेप रिकवर्ड यस इट इज अगेन योर इनकम इट इज अगेन योर इनकम दोस्तों तो बैड डे ब्रिकवर्ड इज योर नॉमिनल अकाउंट चलिए नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी यस रियल अकाउंट एग्जैक्टली बिकॉज इट इज योर एसेट नेक्स्ट लेट्स सी बैंक ओवरड्राफ्ट हमने अच्छा आप लोगों को पता बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना मतलब क्या होता है कि आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए सपोज आपके अकाउंट में अगर चार लाख रुपए हैं आपने साढ़े चार लाख लिए बैंक की परमिशन ऑब्वियसली बैंक की परमिशन के साथ तो आप मुझे बताइए बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है रियल नॉमिनल पर्सनल आई श्योर नो no. तो आपके हिसाब से कौन सा अकाउंट है कुछ नॉमिनल बोल रहे थे भाई साहब याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा आदमी को रिप्रेजेंट करता है क्यों जब बैंक लोन देता है बेटा क्या वो गाड़ी को लोन देता है जब बैंक लोन देता है एक तरह एक तरह से लोन ही होगा ना जो बैंक आपको दे रहा है खुद सोचो तो बैंक जब आपको लोन दे रहा है भाई साहब बैंक क्या गाड़ी को लोन दे रहा है नहीं बैंक क्या सपोज कर लो बेटा आपके घर को लोन देता है नहीं वो आपको लोन देता है इंडिविजुअल को तो ओवरड्राफ्ट का भी सेम फंड है दोस्तों याद रखना ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट ओके नेक्स्ट हां जी गुडविल यू नो व्हाट इज गुडविल रेपुटेशन जो कस्टमर बनाता है ठीक है सारे बच्चों को पता है हां जी बताइए गुडविल कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट इंटेंजेबल एसेट है इसलिए क्या गुडविल को हम देख सकते हैं तो फिर रियल अकाउंट क्यों है मेरे को ये चलो रियल अकाउंट है एग्रीड बट गुडविल रियल अकाउंट क्यों है ये जानना चाहता हूं मैं आपको <laughs> बिजनेस को क्या मिलता है बेनिफिट ओके बच्चों एक बात याद रखना किसी भी तरीके का एसेट याद रखना किसी भी तरीके का एसेट चाहे वो टैंजेबल नेचर का हो चाहे वो इनटैंजेबल नेचर का हो यू नो व्हाट इज टैंजेबल विच कैन बी सीन टच्ड इनटैंजेबल विच नॉट बी सीन यस तो बच्चा गुडविल हमेशा याद रखना टैंजेबल इनटैंजेबल एसेट सारे कौन से होते हैं रियल अकाउंट ओके पेटेंट्स एंड कॉपी अल अकाउंट अच्छा दोस्तों एक मुझे बात बताओ लेटमी सी बच्चों की नॉलेज क्या है पेटेंट का मतलब क्या होता है एनी वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेटेंट कोई बच्चा बताएगा मुझे हाँ जी पेटेंट कोई, कोई, कोई और उसके लाइसेंस को ये पेटेंट इज फॉर इन्वेंशन इफ यू रिमेंबर भैया पेटेंट इज फॉर इन्वेंशन सपोज कर लो मेरे दोस्त ने क्या आप डेवलप कर ली ऐप का राइट मैं अपने पास ले लेता हूं ताकि ऐप को कोई और यूज ना करे तो पेटेंट आपके लिए क्या हो गया भाई साहब इन्वेंशन पेटेंट कॉपी राइट क्या होता है सपोज कर लो म्यूजिशियंस होते हैं आप लोग बेटा वही गाने को ना सुनते होगे अब वो गाने के राइट सपोज कर लो स्पॉटिफाई ने ले लिया तो भैया वो उनके पास कॉपी राइट है कोई और उनसे पूछे बगैर उस गाने को प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच नहीं सकता जैसे आप सपोज देखते हो गए मूवीज जब रिलीज होती हैं मान लो नेटफ्लिक्स ने उसके राइट ले लिए तो क्या मूवी आपको वो सेम मूवी डिज्नी हॉटस्टार पे भी नजर आती है नहीं गॉडेड वॉडा कॉपी कॉपीराइट्स ठीक है ओके सेवेंटींथ कैरेज इनवर्ड्स ज इनवर्ड इज नॉमिनल येस इट्स एन एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड बच्चा नॉमिनल होता है क्योंकि वो खर्चा होता है ओके इंटरेस्ट रिसीव्ड येस इट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल क्योंकि इनकम इसलिए बेटा इनकम है इसलिए यस कोई भी इनकम या एक्सपेंस होगा ना मेरे भाई वो सारा का सारा नॉमिनल में चला जाता है याद रखते जाओ नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस्ड अब देखो यहां पर बच्चे गड़बड़ कर गए मैं बोल रहा हूं मशीनरी परचेज बच्चे ने बोला नॉमिनल ना मशीनरी परचेज इज नॉट नॉमिनल बच्चा मशीनरी परचेज इज रियल बिकॉज इवन मशीनरी कैश इज गोइंग आउट एग्रीड बट बेटा एन एसेट तो सारे बच्चे याद रखना भाई साहब मशीनरी परचेज इज योर नॉमिनल अकाउंट इसी तरीके से सॉरी इज योर रियल अकाउंट वेरी सॉरी इसी तरीके से भाई साहब बिल्डिंग बेची है आपने ये भी रियल है बच्चों ये सब बातें समझ में आ रही है तो बेटा अगर आप बिल्डिंग बेचते हो तो वो भी क्या होता है रियल अकाउंट हां जी ये ट्वेंटी आइटम्स क्लियर है बेटा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की ग्रेट अब जब मैंने आपको बेटा किसी को डाउट है बेटा बिल्डिंग जब आप सोल्ड करते हो तो बिल्डिंग जा रही है अंदर रूल क्रेडिट गोज आउट जी बेटा इनकम नहीं आती उससे कैश आता है मैं आपको बताता हूं दो बातें दिमाग में रखिए सपोज कर लो बिल्डिंग है बिल्डिंग सपोज कर लो बच्चा एक लाख की थी आपकी कॉस्ट आपने उसको बेचा एक लाख बीस हजार का राइट अब आपकी जो बिल्डिंग जा रही है बिल्डिंग गोज आउट बच्चा ये तो रियल अकाउंट है राइट अब आपको यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ ये जो प्रॉफिट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है समझ में आया बच्चा आप चिंता मत करो जब हम लोग थोड़ा सा जर्नल का भी बेस करेंगे उसमें आपको मैं और डिटेल में क्लैरिफाई कर दूंगा अब आप पहले सारे बच्चे मुझे बताइए क्या ये स्टोरी क्लियर है सारे बच्चों को हाँ जी बोलो भाई तो तो बेटा जो बिल्डिंग सोलर प्रॉफिट है तो बिल्डिंग की कोई सेलिंग प्राइस तो दी होगी ना है ना तो जो बिल्डिंग की जो प्राइस होती है बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो तो रियल में चला जाता है बट जो बिल्डिंग का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट वो किसमें जाता है में। वैसे अगर आप सपोज कर लो बेटा तुम्हें शायद पता होगा कि बिल्डिंग बेचोगे तो कैश आ रहा है और कैश भी सारा का सारा कहा जाता है रियल में, एसेट में। समझ में एसेट समझ आ रहा है? जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट वही खाली नॉर्मिनल पोर्शन होता है हाँ जी बच्चा बेटा उसका कैश आ रहा है तो याद रखो जैसे अब सपोज कर लो बेटा बच्चे ने क्वेश्चन करा मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आप लोगों को पता है हम लोग अकाउंट्स को डबल एंट्री बोलते हैं सारे बच्चों को मालूम है डबल एंट्री क्यों बोलते हैं क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन टू ट्रीटमेंट्स टू एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट अब जैसे बच्चा आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो आप कैश को जनरली डेबिट करते हो और आप इंटरेस्ट को आप क्या करते हो क्रेडिट करते हो इसको हम क्रेडिट किस लॉजिक से करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस ठीक है सो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव को नॉमिनल बोला जाता है कैश को डेबिट क्यों करते हैं डेबिट व्हाट कम्स आउट कम्स इन सॉरी तो बच्चे एक चीज दिमाग में रखो हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक ही अकाउंट के अंदर एक ही एंट्री या एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर रियल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है पर अगर हम अकेले बात करें इंटरेस्ट रिसीव तो इंटरेस्ट रिसीव तो रकेला क्या होता है बच्चा नॉमिनल इज दिस क्लियर जी और किसी की बेटा कोई आत्मा भटक रही होगी तो प्लीज शांत कर लेना बिकॉज आत्मा शांत करना ही टीचर का काम होता है हाँ जी बोलो बच्चा बेटा आवाज एक बार हाथ रेस कर लेना थोड़ा बच्चा हाँ जी अच्छा बैंक इज विच पर्सनल अकाउंट गुड क्वेश्चन भाई बैंक कौन सा पर्सनल अकाउंट है नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव आई एम सॉरी बैंक कैन बी ने बैंक कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ वाई समझो बैंक में बेटा मैं किसी आदमी का अकाउंट खुलवा सकता हूं सपोज कर लो बेटा मान लो हमारे क्रिश भाई थे क्रिश अकाउंट ये कौन सा अकाउंट हो गया नेचुरल पर्सन मान लो बेटा एक सपोज कर लो मैंने कंपनी का अकाउंट खोल दिया सपोज एक्सवाई जेड लिमिटेड अकाउंट ये कौन सा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन तो बैंक के अंदर दोनों अकाउंट आ सकते बैंक कैन बी आइदर नेचुरल और इट कैन बी आइदर आर्टिफिशियल बट बैंक सम पीपल सेड रिप्रेजेंटेड पर्सनल बैंक कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इज दिस क्लियर एवरी वन बैंक कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हाँ जी और कोई सवाल बिफोर आई मूवमेंट द नेक्स्ट पार्ट कैरेज आउटपुट बेटा खर्चा होता है अच्छा पहले मुझे एक सारे बच्चे बताइए थोड़ा इन बातों को भी डिस्कस करें भाई देखो दोस्त मैं ना तुम लोग को ऐसे बहुत सारे ना नोट्स में दूंगा प्रेम पत्र सर आप ये क्या बोल रहे हो भाई ये हमारी तरफ से बच्चा लव लेटर होता है जो शरीफ बच्चे होते हैं ना बेटा वो नोट्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है इसको प्यार भरी चिट्ठी बोलता हूं मैं तुम तो लोग अब प्रोफेशनल्स के लेवल पे जा रहे हो तो तुम्हें पता है एक स्टिकी नोट्स आते हैं रंग बिरंगे से छोटे छोटे से तो बच्चे क्या करें बेटा कल से ना उसको बाय करें और जब भी मैं ऐसा कुछ प्रेम पत्र लिखवाऊं वो स्टिकी नोट्स में लगा के उस पेज पे स्टिक कर लें आप नोटिस करना भैया जब आप दोबारा कॉपी खोलोगे ना आपकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी रंगीन मतलब पढ़ने का मजा बड़ा आता उससे आप सोचो ना हमारी कॉपी में होता है या आइया तो हम ब्लैक पेन यूज करते हैं या ब्लू पेन यूज करते तो वो पढ़ने का एक एक्साइटमेंट सा रहता है कॉपी में ये नोट लिखा है कुछ खास बात होगी इसमें तो मैं तुम लोग को यहां पर ऐसे लिखूंगा लव लेटर तो तुमने क्या करना उसको स्टिकी नोट्स के साथ लगाना याद रखना इफ यू फॉर्म दिस हैबिट आप फाइनल लेवल तक बेटा इसको फॉलो करोगे बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स तो लव लेटर क्या बेटा ये बच्चों ने पूछा तो लिखे कैरेज का दूसरा नाम होता है फ्रेट ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कैरेज का दूसरा नाम होता है फ्रेट भैया ये दो प्रकार का होता है एक आउटवर्ड और एक होता है इनवर्ड अब सारे बच्चे एक बात दिमाग में रखो अगर मैं आउटवर्ड की बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज ऑन सेल्स क्या बोलते हैं भाई साहब कैरेज ऑन सेल्स मतलब अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं सोचो ना यार मैं गुड्स बेच रहा हूं तभी मेरे से सामान बाहर जा रहा है बाहर जा रहा है गेटिंग इट और इनवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एस कैरेज ऑन परचेजेस कैरेज ऑन परचेजेस तो भाई अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो सामान आ रहा है अब भाई ये दोनों चीजें आपके लिए होती डेबिटी है क्योंकि ये एक एक्सपेंस होता है चाहे ये आपका इनवर्ट हो चाहे ये आपका आउटवर्ड हो ये खर्चा आपको करना पड़ता है भाई तो अगर आपको ये खर्चा करना पड़ता है तो भाई साहब ये आपके लिए क्या है ये आपके लिए एक्सपेंस है होती ये डेबिटी है हाँ जी बेटा और कोई सवाल किसी के मन में क्लियर चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा हमने टॉपिक शुरू करा था एक बार वापस आते हैं मैंने कहा था बेटा एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है और एक हमारे पास क्या होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो लो भैया हम लोग अब आ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे चलो हेडिंग लिखते हैं भाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज यू ऑन लो कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है ना हम उसमें क्या करते हम उसमें अपने सारे सिस्टम को पांच हिस्सों में डिवाइड करते एक होता है भाई साहब एसेट एक होता है एक होता है आपके पास कैपिटल एक होता है एक्सपेंसेस एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू ये पांच पार्ट्स होते हैं बेटा एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अब तुम लोग को पहले इसका गोल्डन रूल बताता हूं बेटा एसेट ऑलवेज है डेबिट बैलेंस एसेट का जनरली बैलेंस डेबिट होता है लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट और कैपिटल का बैलेंस एक्सपेंस का बैलेंस जनरली डेबिट और रेवेन्यू मतलब इनकम्स मतलब एसेट क्या मतलब सॉरी इनकम्स क्या क्रेडिट बेसिक रूल क्या होता है भाई बेसिक रूल वो यहीं पे लिख लें बेसिक रूल क्या होता है कहा जाता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एसेट एंड लॉसेस एसेट को डेबिट करो खर्चों को डेबिट करो लॉसेस को डेबिट करो ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज तो भाई यह आपका यह आपका बेसिक रूल चलता है ठीक है क्रेडिट ऑल इनकम्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज यह बेसिक रूल चलता है भाई सब अब इसमें होता क्या है बच्चे अच्छे से समझना बेटा प्लीज समझो एसेट के अंदर रूल क्या है डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज मतलब अगर एसेट बढ़ेगा तो तुम उसको क्या करते हो डेबिट करते हो और अगर एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हो जैसे हम बिल्डिंग बेचते हैं तो हम बिल्डिंग को क्रेडिट करते हैं ना बच्चा लाइबिलिटी का बेसिक रूल क्या है बेटा लाइबिलिटी का बेसिक रूल है डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज अच्छा मैं थोड़ा लिख दू डीसी DEC डिक्रीज और आई एन सी क्या हो गया इंक्रीज अच्छा कैपिटल का रूल भाई साहब सेम है सारे बच्चे याद रखना लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम है इनके रूल दोनों सेम है बेटा अब हम बात करते हैं खर्चों की खर्चों में क्या आता है भाई समझे डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज तो इंक्रीज को हमने करा डेबिट और डिक्रीज को करा क्रेडिट फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू की डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज हां जी बच्चे पहले बताइए सारे बच्चे बड़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज क्लियर ये बड़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ओके okay. अब आपको ना इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखिए बच्चा अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बच्चा आपको दे दिया बिल्डिंग हां जी अब बिल्डिंग में आपको एक सिंपल सा बात पूछी जाएगी कि बिल्डिंग में इंक्रीज को क्या करना है और डिक्रीज को क्या करना है समझ में आ गया बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर एग्जांपल परचेजेस भाई परचेजेस तो आपके खर्चे होते हैं इंक्रीज वाले टाइम पे क्या करेंगे और डिक्रीज वाले टाइम पे क्रेडिट अच्छा नेक्स्ट लेट्स से रेंट रिसीव्ड बेटा डिक्रीज को डेबिट करेंगे और इंक्रीज को क्या करेंगे

चलिए नेक्स्ट द पॉइंट इज अक्रूड कमीशन हां जी अक्रूड कमीशन अब मुझे बताओ ये क्या है येस इट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड सिंपल सा फंडा भाई साहब अर्न बट नॉट रिसीव्ड तो अब इसमें क्या करेंगे क्रेडिट द इंक्रीज देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए पहली बात समझो बेटा अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन है या अक्रूड कमीशन है जो आपको मिलने वाली है तो वो आपके लिए एसेट है तो इसका डेबिट करेंगे अगर ये इंक्रीज होगा और क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज होगा बच्चे इसको इनकम की तरह लेके चलना शुरू कर दिए और दोस्तों अगर आप इसको इनकम की तरह लोगे तो याद रखना भाई ये सारा रिवर्स इफेक्ट में चला जाएगा गलत हो जाएगा आपका ये एसेट है ओके okay, सिक्स लेट्स से इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हां जी इंटरेस्ट पेबल बेटा ये क्या है एक्सपेंस है लाइबिलिटी है क्या है इट इज लाइबिलिटी याद रखो ठीक है तो इंक्रीज को करेंगे क्रेडिट लाइबिलिटी का रूल क्या है भाई साहब इंक्रीज को क्या करना है क्रेडिट करना है और डिक्रीज को क्या करना है याद रखेंगे सारे नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड्स ये क्या है बच्चा एक्सपेंस इंक्रीज को क्या करेंगे येस yes. और डिक्रीज को वेरी गुड अब बच्चे बताएंगे बच्चा मुझे नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी हां जी ये yes. क्रेडिट में इंक्रीज और डेबिट में डिक्रीज ग्रेट नेक्स्ट डेटर्स डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज इसी तरीके से क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्या करना है और डेबिट में डिक्रीज अब पहले मुझे बच्चे बताएं बेटा क्या ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर है चलिए अब आप लोगों को ना सिंपल सा फंडा बेटा आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता कैसा है पहले वो समझाना ये तो हो गया बेसिक रूल्स अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में चलिए हम एक काम करते हैं हम एक छोटा सा एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाते हैं आप कुछ ट्रांजेक्शन लिखिए सपोज लिखा हुए अमित स्टार्टेड Business with cash Rupees one lakh Amit started Business with cash Rupees one lakh deposited the cash into bank account. Rupees fifty thousand. Deposited the cash into bank account. Rupees fifty thousand. Withdrew cash from bank for personal use. Rupees five thousand. For personal use, Rupees five thousand. Withdrew cash from bank. For office use, Rupees ten thousand. For office use, Rupees ten thousand. Receive check from Debtor Sham, Rupees five thousand. Receive check from Debtor Sham, Rupees Five Thousand Deposited Sham's Check into Bank Next Day Deposited Sham's Check into Bank Next Day Okay. Next Paid to Creditor Mahesh Paid to Creditor Mahesh By Check Rupees ten thousand. Paid salary to staff, paid salary to staff, Rupees twenty thousand, paid rent by check. Six thousand and paid interest on loan five thousand अब सपोज कर लो भाई ये दस ट्रांजेक्शन हमारे पास है अब आपसे पूछेगा क्या आपको बोलेगा पहले बताओ उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है फिर आपसे क्या पूछा जाता है जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या है रियल है नॉमिनल है कि पर्सनल है और फिर आपसे पूछा जाता है उसको डेबिट करेंगे कि इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे तो बच्चों आपको ना इसको बनाना कैसे है ये देखिए यहां पर तो बेटा पहले आ गई ट्रांजेक्शन ठीक है फिर कॉलम आता आपके पास एक देखो ये तो ट्रांजेक्शन लिखने का कॉलम आ गया फिर आपको पूछा जाता है बेटा कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है मतलब अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है राइट right? उनका नेचर क्या है नेचर मतलब इट इज आइदर डेबिट और क्रेडिट राइट right? फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने डेबिट में कितने रुपीस डालने हैं और क्रेडिट में कितने रुपीस डालने ये आपको पूछा जाता है अब भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ना सबसे पहली पढ़ो ट्रांजेक्शन यहां पे लिख लो के बच्चा अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश सोचो मेरे पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है हु इज द गिवर अमित कौन है ओनर आपको पता है अकाउंट्स में ओनर का नाम यूज नहीं करते उसके नाम के बदले वर्ड क्या यूज करते हैं कैपिटल अकाउंट तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है कैश एंड कैपिटल अब कैश का नेचर क्या है कैश का नेचर जल्दी बोलो कैश कौन सा अकाउंट है कैश बच्चा पहले रियल अकाउंट है और उसको हम क्या करते हैं डेबिट जी बच्चों इज दिस क्लियर कैश कौन सा अकाउंट है कैश एक रियल अकाउंट है उसको क्या करते हैं डेबिट कैपिटल का नेचर क्या है बेटा यस कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और उसको हम क्या करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं नहीं बेटा कैपिटल जो होता है वो ओनर का अकाउंट होता है बच्चा नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन और बाकी इसकी अमाउंट्स लिख दो अब आपको डेबिट में कितनी फिगर लिखनी है एक लाख और क्रेडिट में कितनी फिगर लिखनी है एक लाख ये लो बच्चा पहली ट्रांजेक्शन हो गई हाँ जी दोस्तों समझ में आ गया इसको आंसर कैसे करना है तुम लोग जब अपने आईसीआई का मेड्यूल या कोई भी बुक खोलोगे ना तुम देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें इसी नेचर के दिया दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक गिवन फर्स्ट टॉपिक गिवन चलिए नेक्स्ट फिर हम ट्रांजेक्शन लिख लेंगे अब मैं आपसे पूछूंगा डिपॉजिट कैश एंड टू बैंक हां जी कैश एंड बैंक तो बैंक एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा एक कैश अकाउंट होगा चलो अब आप मुझे बताओ बेटा बैंक कौन सा अच्छा ये डिजाइन वाले एरोज नहीं बना रहे सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं बच्चे क्या करते इसको भी कॉपी कर लेते बेटा एग्जाम में इसको ऐसे डिजाइन नहीं बनाना आरोप याद रखना अच्छा बैंक अकाउंट कौन सा होता है बेटा पर्सनल अकाउंट तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करते दिस क्लियर कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट पैसा जा रहा है अब अमाउंट कितनी है भाई फिफ्टी थाउजेंड ये लो बच्चा ये फिफ्टी थाउजेंड आ गया ये सेकेंड एंट्री होगी ओके okay. नेक्स्ट अगली कहानी अब आप एक काम करो बेटा आगे क्या लिखा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज अच्छा पर्सनल यूज में एक ड्रॉइंग्स इन्वॉल्व होगा ओनर या ड्रॉइंग्स और एक आपके पास कैश जा रहा है पहले एक चीज नोटिस करो कैश में से निकाला कि बैंक में से निकाला बैंक में से निकाला तो फिर बैंक जा रहा है बच्चा चलिए ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है पर्सनल बैंक भी कौन सा अकाउंट है पर्सनल इसको डेबिट करेंगे इसको क्रेडिट करेंगे और अगर आप नोटिस करते हो भाई तो हमारे पास अमाउंट थी शायद फाइव थाउजेंड बच्चे चेक करते जाओ भाई साहब अमाउंट आ गई फाइव थाउज चलो नेक्स्ट फोर्थ पे हां जी हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए बेटा ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है याद रखो तुमने अगर पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए तो तुम्हारे पास कैश में पैसा आ रहा है और बैंक से जा रहे है। तो तुम्हारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे कैश और बैंक अब कैश कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट बैंक कौन सा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट कैश में आ रहे है, डेबिट बैंक से जा रहे है क्या करेंगे उसको अमाउंट कितनी थी बेटा इसकी टेन थाउजेंड चेक करते जाओ ओके okay. नेक्स्ट अब आप चेक करो बेटा रिसीव अ चेक फ्रॉम बेटर शाम एक मिनट एक मिनट वेट अब कुछ बच्चों ने बैंक अकाउंट बोला रुको बेटा अभी आपने क्या बैंक में चेक जमा करा दिया तो इसको या तो कैश लिख सकते हैं या लिख सकते हैं चेक इन हैंड अकाउंट याद रखना बच्चा ये बात दिमाग में रखिएगा जब तक आप चेक बैंक में जमा ना करा दे आप बैंक को डेबिट नहीं करते हो तो आप क्या लिख सकते हो या तो मान लो बेटा कैश आ गया क्योंकि अभी आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो कैश आ रहा है और उसके बाद अभी आपके पास देने वाला कौन है शाम तो भाई साहब ये जो कैश या चेक आ रहा है ना अब यहां पर बच्चा ये सारा कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है रियल शाम कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सनल ये बातें याद रखिएगा राइट तो अब मेरे पास बच्चा इसको मैं करूंगा सॉरी ये वाला हो जाएगा डेबिट और ये वाला हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट थी मेरे ख्याल से फाइव थाउजेंड राइट ये लो भाई फाइव थाउजेंड की अमाउंट आ गई आगे सुने सिक्स सिक्स में लिखा था डिपॉजिट द शाम चेक नेक्स्ट डे बेटा अब बैंक जाएगा बैंक, बैंक। या तो कैश लिखेंगे क्रेडिट में या लिखेंगे चेक इन हैंड तो बेटा बैंक कौन सा अकाउंट हो गया पर्सनल और कैश हो गया रियल अच्छा बैंक में पैसा जा रहा है और इधर से आप देखोगे इट्स गोइंग आउट कैश तो बैंक इज द रिसीवर सो दोस्तों अमाउंट इसका सेम रहेगा फाइव थाउजेंड जी बच्चों इज दिस क्लियर एवरी वन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखते हो पे टू क्रेडिटर महेश बाय चेक हमने बेटा क्रेडिटर को पे करा महेश इज द रिसीवर और चेक बैंक से जा रहा है बेटा महेश कौन सा अकाउंट है पर्सनल और बैंक कौन सा अकाउंट है दोनों पर्सनल सारे बच्चे भाई इसको भी डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे बिकॉज महेश इज द रिसीवर अमाउंट इज टेन थाउजेंड ईच ओके नेक्स्ट एथ अब बेटा आपने स्टाफ को सैलरी दी है सैलरी खर्चा है सैलरी को आप करोगे डेबिट क्योंकि सैलरी खर्चा है मेरे भाई दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा कैश दूसरा अकाउंट होगा कैश अब यहां दिक्कत है बेटा सैलरी कौन सा अकाउंट है नॉमिनल और कैश कौन सा है रियल और सैलरी को करते डेबिट इसको करते क्रेडिट अमाउंट थी ट्वेंटी थाउजेंड ये लो बच्चा ये ट्वेंटी थाउजेंड रिप्रेजेंट कर रहा है भाई हाँ जी बच्चा लोग इज दिस डन नेक्स्ट नाइन्थ आपने रेंट पे करा रेंट को आपने डेबिट कर दिया चेक से पे करा है तो बैंक से पैसा जा रहा है बेटा रेंट कौन सा अकाउंट हो गया नॉमिनल बैंक कौन सा अकाउंट हो गया तो भाई इसको करेंगे डेबिट और इसको करेंगे इसकी अमाउंट्स लिख लीजिए बच्चा सिक्स थाउजेंड लास्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे करा है इंटरेस्ट बच्चा हमारा खर्च है नॉमिनल अकाउंट कैश जा रहे रियल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आ गई फाइव थाउजेंड अब बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन में कुछ बच्चे बोलते हैं बैंक लिख सकते हैं अगर अमाउंट बड़ी हो तो ठीक है याद रखो अमाउंट अगर बड़ी हो तो आप एज्यूम कर सकते हो कि बैंक से बेकर है चलेगा बेटा चलेगा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें हाँ जी पहले बच्चे मुझे बताए बेटा ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है एब्सोल्युटली क्लियर ना एक ही बात है बेटा इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट और लोन अकाउंट इज द सेम थिंग एनी अदर क्वेश्चन इन माइंड हां जी बोलो बच्चा हां जी बच्चा नहीं नहीं बेटा पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है आपने शायद जर्नल करा होगा जर्नल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बच्चा ये चीज बनती है इसमें हमेशा पहले डेबिट को रिप्रेजेंट करना है फिर क्रेडिट को करना है नहीं बेटा बस उसकी प्रेजेंटेशन होती है बच्चा आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं ठीक है हमारा पेपर एमसीक्यू नहीं है सारा हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो अपने को प्रेजेंटेशन दिखानी है और प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स में पहले डेबिट लिखते हैं और उसके बाद क्रेडिट लिखते हैं ठीक है हाँ जी एनी अदर क्वेश्चन बच्चा इन माइंड एवरीबडी इज क्लियर ठीक है अब सुनो बेटा ये हमारा हो गया मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन राइट अब दोस्तों अपने को ना एक चीज और पूछी जाती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ठीक है इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ओके okay. अब भाई ये सब थोड़ी बेसिक बात है दिमाग में रखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होता है सबसे पहले बच्चों ने बेटा एक बचपन में कहानी सुनी होगी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल यह हमारे पास कहानी होती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ये बच्चा हमारे पास सारा कहानी है अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमने यूज करने होते समझो एक आपने शायद सुना होगा बच्चा कई बार हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूला होते हैं या तो बेटा तुम एसेट में से जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आउटसाइड नेचर की उसको माइनस कर लो अच्छा अब दूसरी बात कई बार ना वो क्या करता है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो ऐसे निकालता है ध्यान से मेरी बात को समझना वो कहते हैं यार ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है मान लो उसमें नेट प्रॉफिट अगर है तो मैंने एड कर लिया अगर मान लो नेट लॉस है तो मैंने माइनस कर दिया दोनों में से एक चीज होगी राइट नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा अच्छा इसको कर लिया माइनस अब अगर दोस्त मान लो ड्राइंग्स है ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स को हमने माइनस कर लिया और अगर सपोज कर लीजिए बेटा आपके पास यहां पर गलती से बाय चांस कभी होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग्स की बन होता है तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो उसको क्या कर लेते प्लस कर लेते हैं इंट्रास्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं बच्चे तो थोड़ा बेसिक बात है आईओसी का फुल फॉर्म सारे बच्चे समझ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओडीएस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अच्छा अब अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी मतलब हमने उसको क्या कर लिया प्लस कर लिया ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है अब क्लोजिंग कैपिटल भैया आपके पास दो तरीके से निकलती है एक होती डिटेल और एक होता है शॉर्टकट जिसको कहते हैं एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज ये सब थोड़ा बेसिक चीज है याद रखना बच्चा क्योंकि हम लोग को ना सारे फंडा काम आने अकाउंट्स करते वक्त आपको ये सारी चीजें काम आनी भाई अच्छा फिर अब आप लोगों को बच्चा कई बार एक टर्म लिखी होती है इक्विटी इक्विटी को हम लोग नेटवर्थ भी बोलते इक्विटी इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्थ अच्छा सर अब इक्विटी क्या होती है सारे बच्चे बेटा दिमाग में रखो इक्विटी बेसिकली क्या होती है अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्विटी नेटवर्थ बेसिकली कैपिटल को ही बोलते ठीक है तो सारे बच्चे दिमाग में रखना भाई एसेट में से अगर मैं लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, मेरे पास इक्विटी आता है तो अगर मैं यहां पर सिंपल भाषा में बात करूं कि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं, मेरे पास इक्विटी आता है राइट बट इसमें एडिशन क्या होता है कई बार ना आपके पास इसमें दिया होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू इनकम होती है एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिए हैं तो इसमें रेवेन्यू प्लस करके खर्चे माइनस कर देना बेसिकली होता कि आपको बताता हूं इक्विटी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना इक्विटी जो वर्ड आता है बच्चा जिसको हम नेटवर्थ बोलते हैं इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है दैट इज योर कैपिटल प्लस प्रॉफिट ये होता है तो ये अगर आप देखोगे भाई जो आपका कैपिटल है एसेट मैनेज लाइबिलिटी क्या हो गया कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या हो गया उसी से ये फॉर्मूला बन जाता है तो भाई जरा बच्चे ना इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अपने को ये सारी चीजें चाहिए हाँ हां जी अब मैं आपको बेटा पहले थोड़े क्वेश्चंस ना इसके ऊपर करा रहा हूं ताकि आपको ये सारे बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए ये मैं तुम लोग को बेटा अभी ये चीजें करा रहा हूं ना भाई कल मैं तुम लोग को सीधा आईसीए की बुक से इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तुम देखोगे आईसीए की बुक में सबके किसके छोटे छोटे क्वेश्चंस गिवन है इन सारे फंडा के ऊपर समझिए अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री total assets and external liabilities were rupees 1 lakh and rupees 3000 respectively during the year proprietor introduce additional capital of rupees 10000 and had withdrawn rupees 6000 for personal use done he made a profit of he made a profit of Rupees ten thousand during the year. Compute capital as on first April two thousand twenty two. Compute capital as on first April two thousand twenty two. दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करते हो ना ध्यान से मेरी बात समझना इसमें लिखा गया क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो एक लाख और तीन हजार रिस्पेक्टिवली है टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थर्टी फर्स्ट मार्च को दोस्तों इससे मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री इज माई क्लोजिंग डेट और मुझे अप्रैल बाईस की कैपिटल पूछी है तो वो आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहे तो बच्चे इसमें चेक करो अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले भाई मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं फोकस करते जाना भाई क्लोजिंग कैपिटल का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एसेट माइनस एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी तो भाई साहब मेरे पास एसिड कितने गिवन है एक लाख और लाइबिलिटीज कितने गिवन आउटसाइड थ्री थाउजेंड दाइनटी सेवन थाउजेंड फिर आप याद करो मैंने आपको एक सेकेंड फॉर्मूला दिया सेकंड सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको एक बार दोबारा लिखता हूं मैंने क्या लिखा था आपके लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आईओडी या आईओसी नहीं है उसको दो मिनट इग्नोर करते हैं विल गिव मी माय क्लोजिंग कैपिटल हां जी ये फॉर्मूला हमने लिखा था बेसिक मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है भाई साहब प्रॉफिट मैंने कितना अर्न करा क्वेश्चन में लिखा है टेन थाउजेंड क्या मुझे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है येस yes. वो भी दी हुई है टेन थाउजेंड क्या क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स है ड्रॉइंग्स यस सिक्स थाउजेंड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई नाइनटी सेवन थाउजेंड तो बच्चा अब इसको घुमा लो देयरफॉर फोर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू नाइंटी सेवन प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी थाउजेंड टेन एंड टेन ट्वेंटी हां जी कितना आ गया एटी थ्री बच्चा बेटा कुछ बच्चे गलत कैलकुलेशंस कर रहे हैं बेटा कैलकुलेटर यूज करो अब तुम्हें अलाउड है ठीक है जो हमारी मैनुअल कैलकुलेशन की आदत है आप छोड़ दो अब अपने को कैलकुलेटर अलाउड है हम मैनुअली कई बार गलत यूज करेंगे हाँ जी दोस्तों क्या ये कहानी क्लियर है बेटा सारे बच्चों को एवरी वन दिस फॉर्मूला ग्रेट तो चलिए फिर एक काम करते हैं एक सम आप करके दिखाइए देखो भैया बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा वाई मैन बेटा अच्छा पर, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चों को तो एक कहानी पता होगी जो नहीं पढ़े हुए हम ऐसा क्यों बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एनी वन वाई नॉट प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट Because women वुमेन ऑलवेज परफेक्ट चलो भाई सारी नारियों से हाथ जोड़ के विनती है अगर मैंने कुछ गलत कहा तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वुमेन कैन never be परफेक्ट तो so there इज नो no need टू प्रैक्टिस नहीं ऐसा नहीं कह सकते खबरदार किसी ने ऐसा कहा तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे सारे भाई और बहनों प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट याद रहेगा ये फंडा ठीक है प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट बाय डिस्क्रिमिनेशन यार बेचारे आदमी की बैंड बजाई है दुनिया में सब कहावतें लेकर चलो सुनो लिखो भाई ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ पांच लाख फुलस्टॉप अ लोन ऑफ ढाई लाख वॉज बोरुड अ लोन ऑफ ढाई लाख वॉज बोरुड during 2022 23 he earned a profit of rupees 2.5 and introduced additional capital of rupees 3 lakh he withdrew rupees 1 lakh 50000 for personal use On thirty first March two thousand twenty three, his assets were twenty lakh. Compute External Liabilities. थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री आपको इसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज बतानी है हां जी, लगाइए जरा दिमाग देखें बच्चे क्या करते हैं भाई मैं वेट कर रहा हूं टू लाख बेटा एक जवाब दाया एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड बेटा एक मिनट रुक जाओ अभी बताता हूं सही है कि गलत है बाकी बच्चे करें भाई भाई एक जवाब आ गया ग्यारह लाख चलो देखते अभी रेक्टिफाई करवाता हूं हां जी बताइए नेक्स्ट एनीबडी एल्स एज एन आंसर एक ढाई लाख एक ग्यारह लाख और फिफ्टीन लाख लो भैया तीन आंसर आ गए सो वी वैरायटी ऑफ आंसर्स एक ढाई लाख एक ग्यारह लाख एक पंद्रह लाख और कुछ वो इतनी तो ऑप्शन भी नहीं मिलनी एग्जाम में हाँ जी और कुछ जी थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड चार डिफरेंट आंसर आ गए भाई और तेरा लाख पचास हजार लो भैया चार डिफरेंट आंसर आए हैं साढ़े आठ लाख छह आंसर कम ऑन गाइस ये तो लग रहा है नीलामी लग रही है इसे इलेवन लाख चलो दो आंसर मैच कर गए आशीर्वाद बेटा तेरह लाख पचास हजार मतलब देख रहा हूं कि बच्चे पांच छह वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल के बैठ गए पूछता है भाई जितना जिसका सही है उसको क्या मिलेगा बेटा उसको मिलेगा पांच करोड़ का आशीर्वाद भगवान आपको पांच करोड़ रुपए दे भगवान से ले लेना भाई जी कराऊ बच्चों ने और कोई आंसर निकालना है देखो भाई जितने लोगों का ग्यारह लाख है इट्स एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर वेरी गुड बाकी सारे आंसर गलत हैं जो आपने वैरायटी ऑफ आंसर निकाले देखो अपनी गलती कहां पर है सबसे पहले दोस्तों तुम्हें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है ठीक है समझो तुमने प्रॉफिट अर्न करा ढाई लाख का एडिशनल कैपिटल तीन लाख का ड्रॉइंग तुम्हारी आ गई डेढ़ लाख की अब यहां पर अगर तुम सिंपल सा फंडा चेक करते हो फॉर्मूला क्या था ओपनिंग कैपिटल दैट इज फाइव लाख प्लस तुम्हारे पास आ गया ढाई लाख का प्रॉफिट प्लस थ्री लाख का एडिशनल कैपिटल माइनस डेढ़ लाख का तुम्हारा आ गया ड्रॉइंग्स ये तुम्हारी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल तो भाई साहब ये क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी आ गई नाइन लाख रुपीज इज दिस क्लियर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो फ्रेंड के लोन का क्या करना था कुछ नहीं सर तुम्हें परेशान करने के लिए दिया हुआ है अब समझो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी और कराया मैंने कहा बच्चा एसेट माइनस एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज इज योर क्लोजिंग कैपिटल अब भाई क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा नौ लाख आ गया एसेट तुम्हें बीस लाख गिवन है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अब देर फोर योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटी ग्यारह लाख अब बच्चा मुझे बोलेगा सर वो जो फ्रेंड का लोन है वो इसमें इंक्लूडेड होगा क्या हां जी बेटा कोई भी अगर आप कहीं बाहर से लोन लेते हो एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो है वो तो वो 11 लाख में ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव होगा इज दिस क्लियर एवरी तो अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन में जो लोन लिखा हुआ है उसका कुछ नहीं करना हां जी हमारी गलती समझ में आई सारे बच्चों को बेटा तुम्हारे हां में जोश नहीं है भाई क्लियर है वेरी गुड भाई शाबाश जोश होना चाहिए दोस्त अपनी आवाज के अंदर चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि हमने किसी बुजुर्ग ने आपको कहा था प्रैक्टिस मेक्स यस भैया हम लोग बुजुर्ग ही अभी से तो चलिए भाई आइए एक क्वेश्चन और on 1st april 22 anil started business with capital of 2 ,00 ,00, And friends' loan, fifty thousand. During two thousand twenty-two twenty-three, he earned a profit of fifty thousand. On 31st March 2023 total assets were lakh. Now we have to compute the external liability high. कितना मेरे भाई थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुक जाओ मेरे दोस्त दो मिनट वेट कर लो अगर सही होगा तो आशीर्वाद आपका वेट कर लो बच्चा एट लास्ट वी आर गेटिंग सम कॉमन आंसर्स सारे बच्चे बेटा चेक करो ये करेक्ट आंसर वेरी गुड गाइस आप मुझे बताइए सारे बच्चों का थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड आंसर आया कि मैं करवाऊं एक बच्चा भी हाथ रेस कर देगा सर नहीं आया तो मैं करवा दूंगा सोच लो झूठ नहीं बोलना बिकॉज हमारा प्रिंसिपल क्या है हम सारे कौन है याद रखिएगा बेटा वो प्रिंसिपल अपना नहीं भूलना सारी जिंदगी देख लो भाई किसी का साढ़े तीन लाख नहीं आया तो अभी बता दो नहीं बेटा आंसर है साढ़े तीन लाख करवा दू बेटा आप पहले तो कैलकुलेटर जरूर यूज करें साथ साथ बच्चा हां जी अब देखो अगर नहीं आ रहा तो मैं करवा देता हूं मैं वेट कर लेता हूं जी ये क्लियर है सारे बच्चों को चलो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन भाई आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बच्चे मेरे साथ करेंगे एक स्टार्टेड बिजनेस On first April, buys with capital of rupees fifty thousand and a loan of twenty-five thousand taken from Y taken from why during by stays he had introduced Additional capital of purchases are and had withdrawn Pandra Hazar for personal use. On thirty first March twenty three his assets for one lakh fifty thousand find his capital on thirty first March twenty three. एंड प्रॉफिट लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर हां जी अब करे बच्चा बेटा आपको उसका कैपिटल और उसका प्रॉफिट लॉस बताना है सारे बच्चों ने बेटा उत्तेजना गलत होती है अति उत्तेजना और गलत होती है सो so, भाई साहब पहले सारा क्वेश्चन लिखो उसके बाद आंसर बोलो अब बताइए मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है बच्चों का सिक्सटी थाउजेंड आई श्योर यही गड़बड़ करके बेटा आप लोग इसलिए मैंने बोला गड़बड़ कर गया आप लोग वेरी गुड इट इज वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड समझो क्लोजिंग कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी के नाम पे खाली एक फ्रेंड का लोन है अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो भाई साहब क्लोजिंग कैपिटल का दो फॉर्मूला होते हैं एक ऐसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज सो 150 माइनस आउटसाइड लोन क्लोजिंग कैपिटल इज 125, जितने भी बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे 60,000 सब गलत है इसलिए मैंने बोला भैया एक्साइटमेंट इज बैड बी पेशेंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एसिड इज गिवन, आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन स्ट्रेट अवे माइनस ही तो करना है अच्छा अब समझो हमारे पास भाई क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल नाउ क्लोजिंग कैपिटल वी हैव इज 125 ओपनिंग कैपिटल इज गिवन टू अस फिफ्टी थाउजेंड मुझे प्रॉफिट निकालने यस एडिशनल कैपिटल मेरे को पता है बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ड्रॉइंग्स पंद्रह हजार की देआर फोर आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉफिट इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड अब देखो आप लोग क्लोजिंग कैपिटल में क्या गलती कर रहे थे पहले ये चेक करो सारे बच्चों ने फटाफट आंसर बोल दिया क्लोजिंग कैपिटल का सिक्सटी थाउजेंड कैसे बेटा वो फॉर्मूला लगेगा नहीं ना क्योंकि उस फॉर्मूले के लिए आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग और प्रॉफिट भी मिसिंग है राइट right? तुम लोग प्रॉफिट निकालने को बोल रहे हो प्रॉफिट इग्नोर कर आ रहे हो सोचो तो फॉर्मूला लगेगा नहीं भाई तो यहां पर यह भी टेक्निक है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है हां जी क्या यह सारे बच्चों को क्लियर है जितने बच्चे बड़ा सी ए फर्स्ट अटेम्प में क्लियर कर रहे हैं इज दिस क्लियर शाबाश बेटा ऐसा जोश में आवाज आनी चाहिए ठीक है भाई आज हम लोग पहले इतना बेसिक करेंगे कल हम लोगों ने दोस्तों याद रखना मैथ्स का एक स्पेशल बेसिक करना है बेसिक क्लास होगी कल मैथ्स की अभी आज अकाउंट्स दो घंटे करी कल हम लोग मैथ्स करेंगे टू आवर्स कर कल सर ऑफ यस बेटा कल सर ऑफ मुझे आपका कैलकुलेटर चाहिए और मुझे आपकी कल मैथ्स की कॉपी चाहिए राइट भाई याद रखिएगा बच्चा और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर परसों अकाउंट्स को ओके बच्चा सी यू बाय बाय हाँ जी बच्चा